हेलो गाइस, वेलकम टू अमेजिंग आगरा। मैं हूं आपका दोस्त पंकज विकल, यूट्यूबर, ब्लॉगर, डिजिटल मार्केटर, वीडियो इन्फ्लुएंसर एंड अ ट्रू इंडियन। दोस्तों, वेलकम है आपका हमारी नई सीरीज़ प्ले ग्रुप स्कूल्स ऑफ आगरा में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको आगरा के कोने कोने पर जितने अच्छे प्ले ग्रुप स्कूल्स हैं दिखाऊंगा इस शो के अंदर आपको सारे स्कूल्स को, और बताऊंगा कि क्या क्या सिस्टम है वहाँ पर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उनका सिस्टम है पढ़ाई कराने का बच्चों का, क्या सिस्टम है बच्चों को अपब्रिंग करने का, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो आइए इस सीरीज़ में सबसे पहले हम चलते हैं कमला नगर में, सेंट्रल बैंक रोड पर, तनिष्क के शोरूम के सामने जो पार्क है उसके जस्ट अपोजिट, सोइंग सीड्स प्ले ग्रुप स्कूल में, और देखते हैं किस तरह का सिस्टम वहाँ पर है। आइए मेरे साथ। मैं आ गया हूँ कमला नगर में शिवम पार्क के सामने सोइंग सीड्स प्ले ग्रुप स्कूल में। 2014 में ये स्कूल स्टार्ट किया था दीक्षा अस्वानी जी ने, जो कि एक एडुकेटर हैं, इस विज़न के साथ कि बच्चों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करी गई हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि बच्चों के अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल सके और उनकी रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकें। लर्निंग थ्रू प्लेइंग, ये इनका मोटो है। ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों की स्किल डेवलपमेंट, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलपमेंट करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर यहाँ पर वर्क किया जाता है। आज के इस एपिसोड में मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर कराई जाती हैं बच्चों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। साथ ही आपकी मुलाकात कराऊँगा दीक्षा आसवानी जी से, जो कि इस स्कूल को चलाती हैं, और उनका क्या विज़न है बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर, ये उनसे जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिविटीज़ के बारे में कि किस तरह की एक्टिविटीज़ इस स्कूल में कराई जाती हैं। आइए चलते हैं। दोस्तों, ये स्कूल के अंदर का सेंटर स्पेस है, और ये छोटी सी स्टेज जो आपको दिख रही है ये यहाँ पर असेंबली होती है, और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर सारे बच्चे सुबह असेंबली में साथ में शामिल होते हैं, और किसी एक बच्चे को ये जिम्मेदारी मिलती है कि वो इस स्टेज पर खड़े होकर असेंबली कंडक्ट कराएँ। इससे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप करने में मदद मिलती है, और ये दिस इज़ द स्टेज फॉर द किड्स, जहाँ पर वो अपनी टैलेंट्स को शो करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। साथ ही यहाँ पर हर हफ्ते में एक बार योगा डे होता है, यहाँ पर कि बच्चों को योगा कराया जाता है। साथ ही हर फ्राइडे, एवरी फ्राइडे इज़ एक्टिविटी डे, और उस दिन बच्चों को स्टोरी टेलिंग हो सकती है, या बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि अलग अलग तरीके की बच्चों को कराई जाती हैं एक्टिविटी डे वाले दिन। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे पता लगी यहाँ पर कि यहाँ मदर्स के लिए टिफ़िन कॉन्टेस्ट होती है। यस, कि कौन सी मदर अपने बच्चे के टिफ़िन में ज़्यादा हाइजीनिक और अच्छा एक हेल्दी फूड रखकर भेजती हैं, तो मदर्स को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, और सबसे बेस्ट जो विनर्स होती हैं मॉम्स को प्राइजेस दिए जाते हैं, यानी कि मदर्स भी साथ में इन्वॉल्व हो जाती हैं। और एक बहुत अच्छी चीज़ और भी मेरे को नहीं पता लगी कि यहाँ मदर्स को भी एक सेशन लेने के लिए बुलाया जाता है। किसी भी बच्चे की मदर को बुलाया जाता है कि आप आइए सेशन लीजिए यहाँ पे, आपको जो भी चीज़ आती हो अच्छी तरीके से करनी, वेदर यू लाइक टू परफॉर्म अ स्टोरी टेलिंग, या कोई भी चीज़ आप बच्चों को सिखा सकते हो, बता सकते हो, तो आप आइए और एक सेशन लीजिए। तो इस तरह से मदर्स भी आकर बच्चों की भी परफॉर्म करती हैं। स्विंग सीट्स में बच्चों के मैनर्स और एटिकेट के ऊपर काफ़ी वर्किंग की जाती है, और उनकी हैबिट्स को भी इम्प्रूव करने के लिए, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि कुछ फ्रूट्स नहीं खाते हैं या कुछ सब्जियाँ नहीं खाते हैं, तो यहाँ स्पेशली फ्रूट डे होता है या वेजिटेबल डे होता है कि पर्टिकुलर फ्रूट, मान लीजिए कोई बच्चा कोई फल नहीं खाता है, आप मैंगो नहीं खाता है, तो सारे बच्चे मैंगो लेकर आएंगे, एक दूसरे को देखकर बच्चे खाना सीखते हैं, उनके अंदर हैबिट्स और एटिकेट डेवलप होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो फेस्टिवल्स होते हैं उनका सेलिब्रेशन बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। यहाँ पर ईद भी मनाई जाती है, यहाँ होली भी मनाई जाती है, यहाँ दिवाली भी मनाई जाती है, और ख़ास तौर पर उन सारे फेस्टिवल्स को किसी ना किसी थीम के संग जोड़ दिया जाता है। जैसे कि यहाँ की रक्षाबंधन बहुत फेमस है, यहाँ की रक्षाबंधन पर बच्चों को नेचर से लव करना सिखाया जाता है, और बच्चों को ये टास्क दिया जाता है कि वो
किसी प्लांट को एक धागा बांधें, नॉट करें, जिससे कि उनका एक अटैचमेंट नेचर के संग जुड़े, तो इस तरह से रक्षाबंधन यहाँ मनाया जाता है। इसी तरीके से सारे जो फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत अलग तरीके से मनाए जाते हैं, ताकि बच्चों के अंदर वो एक कल्चर और वो एक संस्कार उनके अंदर पैदा हो सके। आइए बात करते हैं बच्चों के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर GK क्विज ऑर्गेनाइज की जाती है बच्चों के लिए, साथ ही हिंदी रेसिटेशन और इंग्लिश रेसिटेशन के कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं, बच्चों को स्टोरी टेलिंग में एक्सपर्ट कराया जाता है। साथ ही एक बहुत अच्छा यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम और होता है, जब बच्चे प्ले ग्रुप स्कूल से निकलकर बड़े स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए जाते हैं, उस समय पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत अच्छा ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, ताकि बड़े स्कूल्स में उनका एडमिशन्स हो सके। और हम अगर ओवरऑल और आउटडोर अगर डेवलपमेंट की हम बात करें, तो स्वाइंग सीड्स की जो रिपब्लिक डे रैली है ना, वो पूरे आगरा में फेमस है। रिपब्लिक डे के दिन यहाँ से पूरे बच्चे स्कूल के अलग अलग ई रिक्शाज में बैठ के और नारे लगा झंडे लेते हुए पूरे कमला नगर के अंदर रैली निकालते हैं, वो बहुत आउटस्टैंडिंग होती है। साथ में टाइम टू टाइम यहाँ पर पिकनिक्स होते हैं, और बड़ा प्लस पॉइंट स्विंग सीट्स में ये है कि स्कूल के ठीक सामने शिवम पार्क है, जो कि बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत पार्क है कमला नगर का, तो चिल्ड्रंस गेट अ चांस टू मूव अराउंड और बाहर जाकर वो खेल सकते हैं और आउटडोर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि आउटडोर डेवलपमेंट जब तक बच्चों का नहीं हुआ तब तक वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते अपने आप को। तो ख़ास तौर पर स्वाइंग सीड्स में फोकस किया जाता है इस बात को लेकर कि बच्चों का कैसे उनकी स्पोर्टिंग एबिलिटी या उनकी आउटडोर एबिलिटीज निकल के आ सकें। यहाँ पर एक साल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और एक साल यहाँ पर एनुअल डे मनाया जाता है, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं। साथ में साल में एक बार आउटडोर पिकनिक भी लेके जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि बच्चों को यहाँ एक बड़ा अच्छा चीज़ करते हैं, एक आउटडोर एक्सपीरियंस देने के लिए कभी बच्चों को किसी बेकरी शॉप पर ले गए, कभी किसी सैलून में ले गए, ऐसी नई नई जगह पर बच्चों को लेके जाते हैं, ताकि वहाँ जाकर बच्चे नई नई चीज़ें सीख सकें और देख सकें कि बाहर की दुनिया किस तरह की होती है। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ पर भी यहाँ पर काफ़ी सारा एम्फेसिस किया जाता है। ये है यहाँ का स्पोर्ट्स रूम कह सकते हैं, यहाँ पर नीचे मैट बिछी हुई है और इतनी सॉफ्ट है कि इसमें बच्चे कितने भी कूदें, उछलें, उदम करें, वो उनको चोट नहीं लगने वाली। तो ये बहुत अच्छा है, बच्चों का फेवरेट रूम है ये, और यहाँ बच्चे खूब जंप करते हैं, जैसे देखा ना बहुत इसका सॉफ्ट मैट लगी हुई है, और तरह तरह के टॉयज़ यहाँ पर बच्चों के लिए लगे हुए हैं, सॉफ्ट टॉयज़ भी हैं, गेम्स भी हैं, बॉल्स भी हैं, जहाँ पर बैठ के बच्चे एंजॉय करते हैं और पूरा फुल मस्ती में भूल जाते हैं सारी दुनिया को। ये सारी बातें थी सोइंग सीड्स की एक्टिविटीज़ को लेकर। कुल मिलाकर कोशिश ये है कि बच्चे घर से रोते हुए आएं, लेकिन हंसते हुए जाएं, कुछ ना कुछ सीख कर जाएं और कुछ ना कुछ उनकी पर्सनैलिटी में एनहेंसमेंट हो। आइए चलिए, अब मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ दीक्षा आसवानी जी से। दीक्षा आसवानी इज़ अ रेपुटेड नेम इन एजुकेशन इंडस्ट्री इन आगरा। शी इज़ अ कॉमर्स ग्रेजुएट BEd एंड शी इज़ अ बिग 12 years experience in teaching line. उन्होंने सेंट पीटर्स कॉलेज में भी टीचिंग की हुई है। साथ ही शी इज अ सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोच, अ प्रोफेशनल फोनिक्स ट्रेनर, एंड शी ऑल्सो कंडक्ट्स क्लासेस फॉर वोकैबुलरी, ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग फॉर ऑल एज ग्रुप्स। सो लेट्स मीट दीक्षा आसवानी जी और उनसे जानते हैं कि किस तरह का उनका विजन है चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर और स्विंग सीट्स को लेकर। आइए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीक्षा आसवानी, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ सोइंग सीड्स कमला नगर। जैसे कि आप ऑलरेडी इस वीडियो में देख चुके हैं कि हमारा मोटिव ये है कि जब बच्चे हमारे पास आएं और सोइंग सीड्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ द्वारा नई नई चीज़ें सीखें, तो वो बच्चे यहाँ से कॉन्फिडेंटली वापस जाएं। जब ये चेंज उनके पेरेंट्स नोटिस करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो बेसिक पॉइंट ये होना चाहिए कि अगले दिन स्कूल आने के लिए पेरेंट्स उन्हें फोर्स ना करें, पर वो हैप्पीली खुद स्कूल आना चाहें। इसीलिए मेरा एक मोटिव है इस स्कूल को रन करने का, और वो है सोइंग द सीड्स ऑफ हैप्पीनेस इन द लाइफ ऑफ ईच चाइल्ड। एकेडेमिकली ABCD तो पेरेंट्स घर पर भी करा सकते हैं, बट स्कूल आने का पर्पस ये होता है कि बच्चे अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं, वो सोशल स्किल्स को सीखते हैं और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें पिकअप करते हैं जिससे उनके एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। तो
बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का ये जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो बहुत ही जॉयफुल होना चाहिए, बहुत ही प्लेजेंट होना चाहिए, ताकि वो अपने फ्यूचर ईयर्स में स्कूल को एक बहुत ही अच्छे नज़रिए से देखे, ना कि डर कर स्कूल जाएं। मैं बस इसी चीज़ पर फोकस करती हूँ कि सोइंग सीड्स में आने वाले बच्चे एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग तो हों ही, लेकिन खुश रहें, क्योंकि जब वो खुश रहेंगे तो लर्निंग अपने आप हो ही जाएगी। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा पहला एपिसोड जिसमें हमने शूट किया था स्विंग सीड्स प्ले स्कूल कमला नगर, और हमारी कोशिश है कि आगरा के कोने कोने पर जो अच्छे प्ले ग्रुप स्कूल्स हैं, जो क्वालिटी एजुकेशन और अच्छा माहौल बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे आपको रूबरू करा सकें। तो इंतज़ार करिए हमारे अगले एपिसोड का, जिसमें मैं आपको फिर ले चलूँगा किसी एक अच्छे प्ले ग्रुप स्कूल्स में। जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।